we are going to learn standard 3 unit 6. Continue with the question number 4 of page number 101. Count and subtract. So as you know that in unit number 3, count and addition aata tha, right? So aapko kuch is tarah se workbook mein diya tha ki aapko is symbol ko count karke uska addition karna tha. And triangle 1, 2, 3,
तो कितने हुए नाइन राइट। चलो अभी आंसर हम लिखेंगे। सो 506 माइनस 209, सो व्हाट इज द आंसर। तो चलो 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 2506 माइनस 209। ऐसा ही कुछ मैंने लास्ट टाइम कराया था राइट। तो हम 6 में से 9 नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 10 को बोरो करते हैं, 0 का 0 कट, यहाँ पे क्या लिखते हैं 9 और यहाँ पे क्या इसके ऊपर 4। 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाए 10 यानी 12, 13 14 15 16 कितना हुआ 7, 9 का 9, 4 माइनस 2 2। सो आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग डोंट चेक इट आउट, 297 प्लस 209। तो इसका रूट का जो टोटल है वो आ जाता है कि नहीं, तो 7 प्लस 9 करो 9 के बाद 7 तक 10 11 12 13 14 15 16 17 8 का 8 और यहाँ पे 1 के भी 9 प्लस 1 10 10 का 0 और यहाँ पे 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5। यहाँ पे ये आया कि नहीं, नो यस 6 6 7 प्लस 7 और 8 और 7 प्लस 7 14 14 प्लस 1 6 15 एंड 16 राइट। 7 प्लस 9 16 16 का 6 यहाँ पे केली। सो हमारा जो ये है वो आ गया। सो यहाँ पे हम करेंगे कितना आंसर 297। यहाँ पे 10 को बोलो किया और यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 4 297 राइट। इसी तरह से आपको थर्ड और फोर्थ जो है वो आपको खुद से करना है। तो मैं लिख के ये बता देती हूँ क्या थर्ड वन में और जो स्टार है वो कितने हैं 1 2 3 और स्क्वायर जो है वो कितने हैं 1 और ट्राइंगल 7 माइनस 101 राइट। इसका आंसर आपको खुद से करना है और लास्ट में कितना है 425 माइनस 298। एक बार चेक कर लेना लिख के ये है कि नहीं, मैंने एप्रोक्स से लिख लिया है, आपको ये खुद चेक करना है ओके। सो काउंट एंड सब्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में ये देखना है कि आपको कौन सा सिंबल पूछा हुआ है, देन आफ्टर फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट बॉक्स के लिए है, सेकेंड लाइन जो है वो सेकेंड बॉक्स के लिए है, मार्क भी याद रखना है और क्या गिनोगे मतलब कि सिंबल आपको दिया है वो, और फर्स्ट बॉक्स है तो फर्स्ट लाइन में वो लिखना है, सेकेंड बॉक्स है तो सेकेंड में, फिर एज यूजुअल जो हम करते हैं सब्ट्रैक्शंस वही काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। देन आफ्टर आवर टर्न द पेज, तो टर्न द पेज में आपको देखिए डिसाइड वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो मैंने अब तक आपको जितनी भी मेथड सिखाई सब्ट्रैक्शंस की उसमें आपको मैंने चेक करना सिखाया कि अवर आंसर इज राइट और नॉट, जैसे कि ये आंसर जो है वो सही है कि गलत है, तो हम क्या करते थे साइन को चेंज करके इन दोनों का प्लस कर देते ताकि ये आ जाता है कि नहीं, अगर ये आ जाता है तो अवर आंसर इज राइट। तो आपको देखो पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं डिसाइड वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट में दिया है 578 माइनस 236, सो आंसर इज 342, बट चेक करना हो तो नीचे की दो लाइन का मतलब कि आंसर की लाइन और उसके पहले की लाइन और प्लस करते ही जो फर्स्ट लाइन वाला जो नंबर है वो आ जाता है, तो अवर आंसर इज करेक्ट। सो आपको यहाँ पे दिया है 11 1 2 11, ये आपको खुद से ट्राई करना है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम लेक्चर जब लेंगे इसका तो उसमें हम काउंट करेंगे, तब तक आप क्या करोगे ये वाले जो सॉन्ग है वो काउंट करने करोगे, फिर आप आपके टेस्ट है उसके लिए प्रैक्टिस करोगे। और यस मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क में दिया था 1 to 15 राइट, तो अभी आप क्या करोगे 15 के बाद 30 तक करोगे 3 0 30 यहाँ तक, 15 के बाद 15 और सम्स करोगे सब्ट्रैक्शंस के राइट। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न ऑल द वीडियोस फ्रॉम दिस वीक और